हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और समास ख़त्म कर देंगे और उसके बाद क्रिया स्टार्ट करेंगे आपके लिए। तो हमने अब तक आपको 5 समास पढ़ा दिए थे और आज छठवां और लास्ट समास है और बहुव्रीहि समास। इस समास में, इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इस समास में आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न देखने को मिलेंगे, तो इस वीडियो के अंतर्गत हम सारे कन्फ्यूज़न आपको सॉल्व कर देंगे। देखिएगा साहब, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को कि बहुव्रीहि समास। सबसे पहले तो अपन इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक तो होता है समस्त पद और एक होता है समास विग्रह। समस्त पद जो टोटल पद होता है, विग्रह नहीं करने के बाद जो उसके चिन्ह है उन्हें हटाने के बाद जो दोनों को एक मान लिया जाता है वो समस्त पद, और समस्त पद को जब तोड़ करके उसका खंड कर दिया जाता है तो विग्रह के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। लेकिन अब अपन परिभाषा की बात करें कि ऐसा समास जिसके समस्त पद में से कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। अर्थात जो इसके दो पद बताए गए समास के, पूर्व पद और उत्तर पद, ना तो इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद प्रधान होता है, एक तीसरा ही अलग प्रधान पद निकल करके आता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इसमें भी विशेषण विशेष का संबंध होता है, तीसरा पद प्रधान होता है, अन्य पद की ओर संकेत करता है, वहाँ बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब इस पद के जो उदाहरण देंगे ना हम, उन उदाहरणों में कन्फ्यूजन ये होता है कि कुछ उदाहरण तो हमें दिखते हैं द्विगु समास के, कुछ उदाहरण हमें दिखते हैं कर्मधारी समास के, तो वो डिपेंड करेगा विग्रह पर। विग्रह अपन का उसका किस तरह से करें अपन। अब जैसे मैं अयों लिखूं दशानन, अगर मैंने ऐसे लिख दिया दस हैं आनन, तब तो ये आ गया द्विगु समास के अंतर। लेकिन अब हमें विग्रह आगे बढ़ाना है ना, दस हैं आनन जिसके, अब ना तो ये पूर्व पद ये प्रधान रहा और ना ही उत्तर पद प्रधान रहा, अलग ही पद निकल कर आया, अर्थात रावण। और वैसे तो जब आगे चल करके अपन ट्रिकी लेवल में जब अपन एग्जाम किसी भी चीज़ का बड़े स्तर पर देंगे तो कोई भी शब्द हो वहाँ अधिकतर बहुव्रीहि समास आ रहा है, तो वहाँ 250% बहुव्रीहि उत्तर होता है, क्योंकि ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसे रूढ़ होकर के हम बहुव्रीहि के अंतर्गत ना लाएं। लेकिन हमें तो लेवल थोड़ा सा हमारा दसवीं का है तो उस हिसाब से देखना है, दस हैं आनंद जिसके अर्थात रावण, तो तीसरा ही शब्द निकल कर आया, क्योंकि रावण ना तो दस में है ना आनंद में है, तो जो अन्य पद प्रधान होता है वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। अब जैसे हमने ऐसे लिख दिया, अब मैंने मान लो लिख दिया साहब पीताम्बर, जैसे अपन ऐसे लिख दें जैसे लंबोदर, अब लंबा है उदर, ये हो गया कर्मधारी समास, लेकिन लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, तो ना तो लंबा है ना उधर है गणेश में,
लेकिन तीसरा पद आया गणेश, तो वहाँ बहुव्रीहि समास आया। आइए अब हम इनके एक एक पार्ट की तरफ चलते हैं। इस समास में आप थोड़ा सा पर्यायवाची भी देख पाओगे और विग्रह भी, एक एक दो दो करते चलें, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले हम सरस्वती देख लेते हैं। सरस्वती नंबर एक मैंने लिख दिया वीणा पाणी, तो दो पद हुए, एक वीणा और एक पाणी। पाणी कहते हाथ, तो विग्रह करेंगे इसके, ये तो समस्त पद हुआ। और यहां अपन करेंगे समास विग्रह, वही है वीणा है जिसके पानी, पानी बोले तो हाथ, अब विग्रह कर लिया। वीणा है जिसके पानी, अर्थात कौन है ऐसा जिसके पानी में वीणा है, अर्थात सरस्वती। तो निकल कर आया ना सरस्वती शब्द, निकल करके आ गया, जबकि वीणा एक शब्द है, पाणी दूसरा शब्द है, और दोनों ही कोई सा भी प्रधान नहीं है, तीसरा अलग शब्द निकल कर आया वीणा पाणी। कौन सा निकल कर आया? वीणा पाणी। तो वीणा पाणी माँ सरस्वती को कहा गया, तो पर्यायवाची भी हमें साथ साथ याद करते चले। जैसे मैं यूं लिख दूं शुभ्र वस्त्राव्रत, शुभ्र ही सफेद, शुभ्र वस्त्रों से आवृत है जो कौन, अर्थात माँ सरस्वती। तो अब जैसे और भी हैं, वीणा वादनी है, कमलासन है, काफी अलग इसके पर्यायवाची दिए गए हैं। तो सरस्वती के ऐसे जो उदाहरण आते हैं माँ सरस्वती के, वो सब बहुव्रीहि समास के अंतर्गत ही चले जाएंगे। और एक और देख लेते हैं इसका, मान लो अपन गणेश भगवान की देख लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तीसरा पद निकला कि नहीं निकला, और पर्यायवाची भी हमें देखने को मिल गया, गणेश भगवान का पर्यायवाची क्या है, लंबोदर। जैसे मैंने लिख दिया गजानन, गज कहते हैं हाथी, गज के समान है जिसका आनंद, आनंद मुख कहते हैं, अर्थात कौन हुआ, गणेश हुआ। तो तीसरा पद प्रधान निकल रहा है, देख लो, साथ साथ हमें पर्यायवाची भी याद होते जा रहे हैं। लंबोदर है, गजानन है, प्रथम पूज्य है, जो भी इनके पर्यायवाची शब्द हैं अपन देखते चल रहे हैं। मान लो अब अपन जैसे मान ले शिव की तरफ चलते हैं, शिव मान ले चंद्रशेखर देखते हैं, चंद्रशेखर, तो पद हुए चंद्र और शेखर, चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात सिर। ऐसे में मानो चंद्र मौली, मौली भी मस्तक होता है, जटा होता है, चंद्र है जिसके मौली पर, अर्थात सिर। जैसे मैं यूं लिख दूं धूर जटी, अब विग्रह करेंगे धुएं के समान है जिसकी जटा, वह है कौन, अर्थात शिव। अब कैसे विग लें, मैं आपको यह लिख दूं सतीश, मैं लिख दूं उमेश, मैं लिख दूं उमाकांत, सती के हैं जो ईश,
अर्थात कौन? शिव उमा उमा के हैं जो इस, अर्थात कौन? शिव उमा के हैं जो कांत, कांत का अर्थ है पति, अर्थात कौन? शिव। अब देख लो तुम, पर्यायवाची हमारे साथ साथ चलते जा रहे हैं, चल रहे नहीं चल रहे? अब अपन ये चलते कृष्ण भगवान की तरफ। जैसे मैं लिख दूं बंसीधर चक्रधर मुरलीधर, तो बंसी है और दूसरा धर, बंसी को धारण करने वाला, है जो वह है, बंसी को धारण करने वाला है जो वह है, अर्थात कौन? कृष्ण। मैं ऐसे ये लिख दूं, ऐसे लिख दें गोपेश, कौन सा है? गुड़ संधि ना, गोपियों का है जो ईश, गोपियों का है जो ईश, अर्थात कौन? कृष्ण। इसके काफी उदाहरण है, मुरलीधर है, गोपीनाथ है, और ब्रजेश है, ब्रज किशोर है, काफी इसके उदाहरण दिए गए हैं। और उसके बाद अपन जैसे देख लें एक दो उदाहरण अपन उसके भी देख लें, रावण के जैसे हमने लिख दिया दशानन, दस हैं आनन जिसके सिर, कौन निकला? रावण निकला। अब ऐसे इसके दस कंदर आ गए, ये भी रावण का ही है। ऐसे ही हमने दस ग्रीवा लिख दिया, लंकापति लिख दिया, बहुत उदाहरण के रूप में अपन देख सकते हो। तो सब में क्या है? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। अब अपन एक और देख लेते हैं कार्तिकी, काफी बार इनके उदाहरण पूछ लिए जाते हैं कार्तिक के, और इनका एक बहुत बड़ा फेमस उदाहरण है षडानन। यण संधि तो इसकी व्यंजन संधि गई, षट प्लस आनन, षट मीन्स छः, षट छः हैं जिसके आनन। देख लो ना तो पूर्व पद प्रधान ना उत्तर पद, अर्थात कौन? कार्तिक। इसका दूसरा उदाहरण बहुत से अधिकतर देखा गया, मयूर वाहन, मोर है जिसका वाहन, अर्थात कौन? कार्तिकेय। अब देखते हैं संसार के पालनहार के भी उदाहरण देख लेते हैं भगवान विष्णु के। मान लो हम लिख देते हैं श्रीकांत, पहला पद श्री दूसरा कांत आया, तो श्री यानी लक्ष्मी के हैं जो कांत, अर्थात कौन? विष्णु, अर्थात कौन? विष्णु। श्री कांत लक्ष्मी के हैं जो कांत। उदाहरण ग्रुप में एक इसमें ये भी दिया गया, जैसे रमेश, रमेश तो देखो वही अड़ संधि है, रमा प्लस इस, रमा कहते हैं लक्ष्मी को, लक्ष्मी के हैं जो ईश, अर्थात कौन? वही विष्णु। श्रीस भी आ जाता है, श्री के हैं जो ईश, श्री के हैं जो ईश। उदाहरण में और भी देखते हैं, जैसे रमाकांत आ जाता है, रमा के हैं, रमा मिस लक्ष्मी, कांत मिस पति, कौन? विष्णु। एक और आता है बहुत बड़ा उदाहरण देखते हैं, क्योंकि मध्य द्वारी
यड़ संधि ये देख लो, यवरल से पहले जब आदाक्षर आ जाता है तो वो यड़ संधि कहलाता है। और मैंने आपको बताया था यवरल से पहले जो आदाक्षर आता है उसे पूरा कर लो, और यायति आती है तो ई में बदल दो, वो आवर्ण आता है तो ऊ में बदल दो। अब जैसे पूरा करेंगे तो मधु प्लस आरी, अब मधु में से शहद होता है, अरि में शत्रु होता है, तो मधुधरी का अर्थ वैसे तो भमरा हुआ, लेकिन यहाँ दो राक्षस और का नाम आता है मधु और कैटब, उनके उनका शत्रु कौन, भगवान विष्णु। तो वैसे भी जैसे आए मधु कैटब दो मारे सुर वैहीन हरे, तो यहाँ मधुरी भगवान विष्णु का पर्यावाची है। काफ़ी कहानियाँ हैं इनके नाम से पीछे, तो मधु राक्षस का है जो शत्रु अर्थात कौन, विष्णु। तो ये सब उदाहरण कौन से समास में गए, बहुव्रीहि समास में, कौन से समास में गए, बहुव्रीहि समास में चले गए। अब ऐसे तो शेषशायी भी आएगा, शेष पर शयन करने वाले हैं जो, तो जितने भी हैं भगवानों से पर्यायवाची शब्द अधिकतर जितने पूछे जाते हैं वो सब के सब किस में चले गए, बहुव्रीहि समास में। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिए क्योंकि संसार में एक हैं जिनके नाम पर कोई दोहराए नहीं है। अब जैसे दुर्वासा है, दू है जिसके बासा बुरे हैं, जिसके बासा अर्थात बुरे हैं कपड़े जिसके, तो वैसे नॉर्मल वे में दू यानी कर्मधारी समास की बात आ गई, लेकिन दुर्वासा ऋषि की तरफ अंकित कर दिया तो वहाँ कौन सा समास आ गया, बहुव्रीहि समास। मैंने कहा था ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें बहुव्रीहि समास नहीं होता हो, लेकिन ये सब विग्रह पर डिपेंड करता है। आइए एक और देखते हैं बलराम की तरफ, काफ़ी बार पूछ लेते हैं। जैसे अपन लिख देते हैं हलधर, दो शब्द आए, एक तो आया हल और दूसरा आया धारण, तो ना तो हल फेम प्रसिद्ध वो प्रमुख है ना धर प्रमुख है, तो इसका विग्रह कर लेते हैं हल को धारण करने वाला है जो वह कौन, अर्थात बलराम। जैसे अपन इसका एक और देखते थे रोहिणी नंदन, रोहिणी का है जो नंदन, जैसे लिखते रेवती रमण, रेवती के साथ रमण करने वाला है जो वह है, तो ये सब कौन से हैं, बहुव्रीहि समास। दोस्तों इस बहुव्रीहि समास में मैंने आपको कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश की, क्योंकि कुछ उदाहरण है इसमें द्विगु समास की, जो संख्यावाची शब्द हैं वो द्विगु समास में चले जाते हैं, और जो उपमेय उपमान वाले शब्द हैं वो कर्मधारय समास में चले जाते हैं, लेकिन जब विग्रह करने के बाद जब अन्य पद की तरफ इशारा किया जाता है तो वहाँ ये शब्द किस में आ जाते हैं, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाते हैं। कौन से समास के अंतर्गत आ जाते हैं, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हम देखेंगे प्राय, मैंने आपसे कहा था कि समास में कुछ शब्द ऐसे हैं जो रूढ़ होकर के बहुव्रीहि में आ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, रूढ़ होकर के। अब जैसे अपन जैसे पंजाब का पांच नदियों का है जो स्थान, लेकिन रूढ़ हो गया कहाँ, एक राज्य विशेष की तरफ आ गया। जैसे हम यहाँ देख लेते हैं श्वेतांबर, कि श्वेत है जिसके अंबर, अब ये वैसे तो कर्मधारय आना चाहिए लेकिन रूढ़ होकर के जैन शाखा की तरफ चला गया, तो वहाँ कौन सी तरफ समास आ गया, बहुव्रीहि समास। जैसे मैंने कहा था दुर्वासा, दू है जिसके वासा, वैसे तो कर्मधारय लेकिन रूढ़ होकर के ऋषि विशेष की तरफ चला गया। मैं जैसे नाम लिख दूँ जैसे पंचवटी, पंच बट मिस वृक्ष, पांच वृक्षों का समूह, अब पांच वृक्ष कहीं भी हो सकते हैं तो देखो समास आया, लेकिन रूढ़ होकर के एक ही मान लिया गया, वह पंचवटी जब माँ सीता रही थी तो हमने रूढ़ बना लिया इसको, इसलिए इसमें कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। अब जैसे आ जाए त्रिफला, बहुत बार पूछा गया, काफ़ी बड़े बड़े पटवारी और उन पेपरों में सेकेंड ग्रेड में भी पूछा गया था त्रिफला। अब तीन फल, तीन फल, इन तीन फलों का समूह हो गया तो बहुव्रीहि द्विगु समास आ गया, लेकिन सर इसमें भी बहुव्रीहि समास बता दिया गया, हरड़े बहड़े आमला, तीन फलों का समूह हर त्रिफला, अच्छा हरड़े बहड़े आमला,
तीन हो गए तो इन तीनों का एक ही हो गया सर, हमें रूढ़ बना लिया त्रिफला। तो यहाँ भी इसको क्या बता दिया गया, ओ बहुव्रीहि बना दिया गया। तो प्रत्येक शब्द का क्या बना लिया गया, बहुव्रीहि। तो यहाँ हमने समासों के बारे में पढ़ा, छहों समास हमने आपको पढ़ाए। अब थोड़ा सा एक बार फिर इनको रिवाइज रूप में देख लेते हैं और अपना टॉपिक समाप्त करते हैं। समास का अर्थ हमने आपको संक्षिप्तकरण बताया था, अर्थात जहाँ शब्दों का संक्षिप्त करने का प्रयास किया जाता है वहाँ समास होता है। दो शब्दों के मेल को अपन समास कहते हैं। दो पद बताए थे, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद बताया था और उत्तर पद, दोबारा से देखना। और ये बताया था जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है वो समास कहलाया अव्ययीभाव समास, और जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वो समास कहलाया तत्पुरुष समास, और जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो समास कहलाया द्वंद्व, और जिसका ना तो पूर्व पद प्रधान ना उत्तर पद प्रधान वो समास कहलाया बहुव्रीहि। कहते ना ऐसी बहू जो ना पियर की अच्छी ना ससुराल की ऐसी रे बुरी, इसलिए इसका नाम पड़ गया बहुव्रीहि समास। चार बताए थे, तत्पुरुष समास के दो और भेद बताए थे हमने। एक तो बता दिया था कर्मधारय और एक बताया था द्विगु समास। आइए जल्दी जल्दी इनके बारे में थोड़ा सा देखते चलें। इसका पूर्व पद प्रधान होता है, कौन सा पूर्व पद, इसका उत्तर पद प्रधान, जब इसका उत्तर हुआ तो इसका भी उत्तर पद प्रधान हुआ, तो इसका भी उत्तर पद प्रधान हुआ। इसके दोनों ही पद प्रधान होते हैं और इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होते हैं, अन्य पद प्रधान होते हैं। अब देखते चले इनकी थोड़ी थोड़ी सी परिभाषा, उसके बाद टॉपिक समाप्त करते हैं। कि जिस समास का पहला पद प्रधान होता है अर्थात पहला पद अव्यय होता है, अव्यय बोले तो उपसर्ग और प्रत्यय, तो मूल शब्द के आगे, मूल शब्द के आगे या तो लगे मिलेंगे आपको क्या उपसर्ग और या लगे मिलेंगे आपको क्या प्रत्यय, वो कौन सा समास होगा, कौन सा होगा अव्ययीभाव समास, कौन सा होगा अव्ययीभाव समास होगा। जैसे मैंने आपको उपसर्गों के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, ए आ अव अव अप अपि अभि अभि आदि वि नि वि सु सम दूर दुस निर निस प्र प्रति पर परा यथा आदि के बारे में बताया था। तो ये लगे मिलेंगे क्योंकि ये तोड़े नहीं जाते, तो वहाँ कौन सा समास होता है अव्ययीभाव समास। उसके बाद तत्पुरुष के बारे में बताए थे कि इसमें विभक्ति कारक चिन्हों का लोप होता है, क्या होता है विभक्ति कारक चिन्हों का लोप, और कारकों के आधार पर इनके भेद बताए थे हमने छह। वैसे तो कारक आठ बताए थे लेकिन ऊपरला कारक छोड़ दो, निचले को हटा दो, कितने बच गए, छह बच गए। तो विभक्ति कारक चिन्हों का जहाँ लोप होता है वह तत्पुरुष समास, और उसके बाद कर्मधारय समास में मैंने आपको बताया था कि उपमान और उपमेय का संबंध होता है, विशेषण और विशेष का संबंध होता है, कभी कभी दोनों पद ही क्या बन जाते हैं विशेषण बन जाते हैं। द्विगु में मैंने बताया था जिसका पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा संज्ञा अर्थात समूह का बोध होता है, तो वो कौन सा होता है द्विगु। और द्वंद्व समास में बताया था कि बीच में और का लोप होता है, वैसे तीन प्रकार के बताए थे, इतरेतर वैकल्पिक और समाहार। इतरेतर में और होता है, वैकल्पिक में या अथवा होता है, समाहार में इत्यादि लगा दिया जाता है। और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है, तीसरा पद की तरफ संकेत किया जाता है, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। मैंने उदाहरणों के माध्यम से आपको पूरा टॉपिक समझाया, नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको क्रिया लेकर के आएंगे। तब तक आप इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से पढ़ते रहें और घर पर रहकर सुरक्षित रहें, घर पर तैयारी करते रहें। धन्यवाद।